मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा एक दिन में एक ब्लॉक के 6 ग्रामों में ग्राम चौपालों का आयोजन करते हुए शासन की विभिन्न लाभकारी योजना से लोगों को लाभान्वित करने तथा गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करने सबसे पहले जिलाधिकारी भीतरगांव के विकास खंड के ग्राम गोपालपुर चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनते सुनी। ग्राम चौपाल में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर तथा XCN नलकूप द्वारा बैठक में उपस्थित न होने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को दिया जाए, इस सुनिश्चित किया जाए। कानपुर से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। ऐसा तो नहीं है जो तक गया हो या किसी को ऑनलाइन कर दिया है, कर दिया आपने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। देखिए, आज गोपालपुर नरवल में आज आयोजन हुआ है और इसके बाद हम 5 गांवों में अलग अलग जगहों पर आयोजन कर रहे हैं। भीतर गांव ब्लॉक है और बहुत समस्याएं जो आई हैं सामने वो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पेंशन, आधार सीडिंग नहीं हुई तो पेंशन रुक गई। कुछ जगहों पर मनरेगा के कार्यों को लेकर के शिकायत थी। मौके पर ही त्वरित रूप से हम लोगों ने अधिकारियों को भेजा और उन शिकायतों के बारे में लोगों को आश्वस्त किया है। कहीं पर ऐसी कोई बहुत ही प्रमुख चीज़ नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी दैनिक नित्य लाइफ से रिलेटेड इनकी जो समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर संबंधी भी बातचीत की तो उसमें भी हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन भी किया जाता है गाँव में, वो भी किया गया। तो इस प्रकार से एक बड़े समय के भाव के साथ में पूरी इस चौपाल का आयोजन हुआ। जो लोग इस पूरी लापरवाही में लिप्त हैं उनका हम लोगों ने आज का वेतन रोका है, ये कार्रवाई की गई है। और इसमें मुझे ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों के द्वारा पूरी शासन की योजनाओं को धरातल पे फलीभूत करने के लिए लापरवाही दर्शाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे, उनकी शासकीय उसमें। अभी तो मैंने देखा राजकीय नलकूप के जो XCN थे वो एब्सेंट थे और स्वास्थ्य विभाग में भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नहीं आए थे। जी।